हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बाइट। आज स्टोरी टाइम में मैं सुनाऊंगी एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है इक्की दुक्की। कहानी दो बहनों की है जो अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर पे रहती थी और उनका नाम था इक्की और दुक्की। अरे इक्की दुक्की, ये कैसे नाम हुए? बड़े फनी से नाम है। इक्की के सर पर एक बाल था इसलिए उसे सभी इक्की बुलाते थे, और दुक्की के सर पर थे दो बाल इसलिए दुक्की। चलिए मैं मिलाती हूँ इक्की और दुक्की से। ये है हमारी प्यारी सी इक्की जो सबका ख्याल रखती, सबसे प्यार से बात करती, बहुत ही केयरिंग। और ये है हमारी दुक्की, हर समय इक्की पर रौब झाड़ती रहती। उसे अपने दो बालों पे बहुत प्राउड था। तो करें शुरू कहानी। चलिए, दुक्की इक्की को हमेशा चिढ़ाती रहती। दुक्की, तुम तो बिल्कुल सुंदर नहीं हो, तुम्हारे सर पर तो सिर्फ एक बाल है। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे पास तो दो दो बाल हैं। माँ भी दुक्की को बहुत प्यार करती। ओ मेरी प्यारी दुक्की, तुम कितनी सुंदर हो। इस बात से इक्की को बहुत बुरा लगता। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती। मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं। एक दिन इक्की जंगल की तरफ निकल गई। चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, तभी उसने एक आवाज सुनी। पानी, 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 कोई पानी पिला दो। इक्की ने इधर उधर देखा, एक मेहंदी का सूखा हुआ पौधा पानी मांग रहा था। इक्की झट से उसके पास गई और बोली, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पास के तालाब से इक्की पानी लेके आई और उस पौधे को पिलाया। थोड़ा और लेके आई, फिर पौधे को पिलाया। कुछ ही देर में वो सूखा मुरझाया हुआ पौधा एकदम फ्रेश हो गया। उसने इक्की को थैंक यू बोला। इक्की फिर चल पड़ी, चलती रही, चलती रही, और कुछ देर बाद उसने फिर एक आवाज सुनी। ये आवाज किसकी थी? मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। इक्की ने देखा एक कमजोर सी मरियल सी गाय पेड़ से बंधी थी। इक्की ने झट से कुछ पत्ते तोड़े, घास तोड़ी और गाय को खिला दी। गाय बहुत खुश हुई और बोली, इक्की तुमने मेरी मदद की है, थैंक यू। इक्की बहुत थक गई थी, वो सुबह से चल रही थी और बहुत गर्मी थी। तभी दूर उसने देखी एक छोटी सी झोपड़ी, एक हट, और इक्की भागी उस झोपड़ी की तरफ। वहां जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। कोई है? खटखटखट, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और बोली, इक्की तुम आ गई, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ। इक्की को बहुत हैरानी हुई कि ये बूढ़ी अम्मा मुझे कैसे जानती है। इक्की अंदर नहीं जाना चाहती थी, उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, इक्की डरो मत, जल्दी अंदर आ जाओ। घबराते घबराते इक्की अंदर गई। अम्मा ने उसे थोड़ा सा ऑयल
और शिका का ही शैम्पू दिया और बोली, ये तेल और शैम्पू ले लो और जाओ नहा लो, फ्रेश होके आ जाओ। इक्की का था सिर्फ एक बाल। उसने थोड़ा सा ऑयल लिया और प्यार से अपने एक बाल पे लगाया, फिर थोड़ा शैम्पू लिया और वो शैम्पू भी लगाया। शैम्पू लगाकर पानी लिया, पानी डालने के बाद उसने टॉवल लिया और आराम आराम से अपने बालों को पोंछा। और जैसे ही उसने अपना टॉवल हटाया, ओ ओ ओ ओ, अरे वाह अरे वाह, इतने काले काले घने सुंदर बाल, इतने सारे बाल। इक्की तो खुशी से पागल हो गई। अरे अम्मा देखो मेरे बाल, कितने सारे बाल आ गए, ये कैसे हो गया? थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच, आपने क्या किया मेरे इतने सुंदर बाल। इक्की अपने बालों को लेकर बहुत खुश थी। उसने दादी को थैंक यू कहा और निकल पड़ी घर की तरफ। रास्ते में मिली उसे वही गाय। गाय ने उसे मटका भर फ्रेश मिल्क दिया और फिर मिला उसे मेहंदी प्लांट। मेहंदी प्लांट ने उसे एक बाउल मेहंदी पेस्ट दिया और थैंक यू भी कहा। अब चलते 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 इक्की पहुंची घर और दरवाजा खटखटाया। दुक्की दुक्की दरवाजा खोलो, देखो मुझे, जल्दी दरवाजा खोलो। दुक्की ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो तो हैरान रह गई। इक्की, इतने सारे बाल, ये कैसे हो गया? तुम तो सुंदर लग रही हो। इक्की ने दुक्की को पूरी बात सुनाई और बात सुनते ही दुक्की निकल पड़ी जंगल की तरफ। रास्ते में दुक्की को एक आवाज सुनाई दी, पानी पानी पानी। ये आवाज उसी मेहंदी के पौधे की थी। पर दुक्की रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। कुछ आगे जाकर उसको एक गाय की आवाज सुनाई दी, मुझे कोई खाना खिला दो। दुक्की रुकी पर बोली, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मेरा टाइम खराब मत करो। और दुक्की आगे निकल गई। वो उस झोपड़ी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसे वो छोटी झोपड़ी दिखी और वो भागी उसकी तरफ। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया, खटखटखट खटखटखट, अम्मा दरवाजा खोलो, अम्मा जल्दी दरवाजा खोलो। बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। दुक्की तुम आ गई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, चलो अंदर आ जाओ। दुक्की बोली, मेरा टाइम खराब मत करो अम्मा, जल्दी से वो ऑयल और शैम्पू दो, मुझे अपने बाल धोने हैं। बूढ़ी अम्मा ने ऑयल और शैम्पू दुक्की को दिया और उसने पूरी बोतल ऑयल की अपने उन दो बालों पर पलट ली और मलने लगी, अच्छे से मला। और उसके बाद शैम्पू लिया और पूरी बोतल शैम्पू की भी अपने सर पर डाल ली और खूब मलती रही मलती रही। फिर पानी, फिर तौलिया, और फिर उसने जैसे ही अपना तौलिया हटाया, उसके दो बाल, ओह उसके दो बाल हिलने लगे। ओह नहीं, टिंग, एक बाल गया, दूसरा बाल, ओह नहीं, टिंग, ओह दोनों बाल गिर गए और दुक्की, मेरे दोनों बाल, मैं गंजी हो गई, अम्मा मेरे दोनों बाल गए।
दुखी रोते रोते वहां से भागी घर की तरफ, और रास्ते में मेहंदी प्लांट और वो गाय मिली। दोनों दुखी पर हंस रहे थे। बच्चों, किसी का मजाक उड़ाना और हंसना अच्छी बात नहीं है, पर दुखी ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। दुखी रोते 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 भागते भागते घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, इक्की दरवाजा खोलो। इक्की ने दरवाजा खोला और दुखी, मेरे दोनों भाग गए, मैं गंजी हो गई। इक्की इतनी प्यारी बच्ची थी, उसने दुखी को गले लगाया और बोला, दुखी तुम्हारे बाल हो या ना हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत प्यारी हो और तुम मेरी बहन हो। हम चाहे सुंदर हो या ना हो, चाहे मोटे हो पतले हो, चाहे लंबे हो छोटे हो, चाहे हमारे बाल अच्छे हो या ना हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम मेरी बहन हो और हमारे में बहुत प्यार है। उस दिन से इक्की और दुक्की दोनों बहुत प्यार से रहने लगी। तो बच्चों, ये थी कहानी इक्की और दुक्की की। मुझे लगता है कि हमें इक्की की तरह ही बनना चाहिए। इक्की सबकी हेल्प करती थी, सबको प्यार करती थी और सबकी केयर करती थी, इसीलिए इक्की के साथ सब कुछ अच्छा हुआ। अगर हम भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, तो हमारे साथ भी हमेशा सब अच्छा होगा। तो ये थी आज की कहानी इक्की दुक्की। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।